उमरिया में भाजपाइयों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया, जहां प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मीना सिंह ने केक काटकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि हम सब कार्यकर्ताओं ने पीएम के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया है और राष्ट्र की सेवा का संकल्प लिया है। युवा नेता ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। देश कुशल नेतृत्व एवं अथक परिश्रम के प्रतीक सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उभरते नए भारत ने विश्व में एक मजबूत, सुरक्षित और विश्वसनीय राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उमरिया भाजपा परिवार उनके शतायु होने की प्रार्थना करता है। संगठन का और आज का इस कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित करना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन दिवस था। माननीय नरेंद्र मोदी आज से भारत के नेता नहीं रह गए हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी आज वैश्विक नेता हो गए हैं। आज पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है, तो हम सब का कर्तव्य था कि आज हम उनके जन्मदिन को सेवा संकल्प रूप मनाएं, जिसका आज हम सब लोगों ने यहाँ केक काटकर जन्मदिन मनाया। पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ उपस्थित थे और पूरे उत्साह के साथ माननीय मोदी जी का जन्मदिन मना के केक काट के और सब कार्यकर्ता एक संदेश दिया कि हम सब भारत देश के लिए काम करेंगे। देखिए, आज हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्म दिवस है, जिसको चलते मध्यप्रदेश की सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन ये पूरा सेवा सप्ताह मना रहा, 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक और आज 17 से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती 25 सितंबर तक ये सेवा सप्ताह कार्यक्रम चल रहा है। आज नगर पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले फल फूल का वितरण किया दलित बस्तियों में, उसके बाद विभिन्न गार्डनों में जाकर महाविद्यालय परिसर, स्कूल परिसर या जहां सुरक्षित रहें पौधे, वहां पर कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया। जन्मदिवस के अवसर पर आज सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय मोदी जी के 70वें जन्मदिवस पर केक काटकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर हमारी प्रदेश की कैबिनेट मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, हमारे विधायक शिवनारायण सिंह जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। और आज जैसा कि प्रदेश सरकार का आज दूसरा दिन था, जिसमें कि दुग्ध वितरण पोषण आहार का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आज पूरे जिले के प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को, कुपोषित बच्चों को दुग्ध आहार दिया गया और पूरा जिला सुपोषित जिला साबित हो ऐसा करने का भी आज हम सब ने संकल्प लिया है। न केवल सरकार बल्कि आम जनमानस, आम नागरिक भी इसमें सम्मिलित होकर इस पोषण अभियान को आगे बढ़ाने में हम सभी लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जिला संगठन हम सब मिलकर ये पूरा सेवा सप्ताह का कार्यक्रम चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।